गीता के 2000 वर्ष बाद तक धर्म के नाम पर संप्रदाय नहीं बने थे, इसीलिए गीता मजहब मुक्त है। उस समय विश्व मनीषा में एक ही शास्त्र गूंज रहा था, उपनिषद सार गीता, मोक्ष और समृद्धि का स्रोत गीता। शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा उसका श्रवण अधिक लाभदायक है, क्योंकि उच्चारण की शुद्धता इत्यादि में एकाग्रता बंट जाती है। इसीलिए सरल भाषा में रूपांतरित यथार्थ गीता की ये कैसेट आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इनके श्रवण से बच्चे बच्चे में, पास पड़ोस में परमात्मा के शुभ संस्कारों का संचार होगा। आपके घर आंगन का वायुमंडल भी तपोभूमि सा सुरभित हो उठेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म अर्थात नियत कर्म आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचित कराती है। वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न रखा। अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहा जाता है? अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? इन सातों प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण बोले। श्री भगवान उवाच, अक्षरम् ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। अक्षरम् ब्रह्म परमम्, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव
अर्थात स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भूत भावोद भव करा, भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है जिसके लिए योगेश्वर ने कहा था, वो संपूर्ण कर्म को जानता है। वहां कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म, इस अवस्था में जबकि भूतों के विभाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन जो यज्ञ में है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता, तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है, वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। पुरुषः च अधिदैवतम्, और प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों, दैवी संपद का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में विलय हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूं। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। योगेश्वर श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न कि अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, वो मदभावम साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है, मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वो मन भी जब विलय हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। ये क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्ता क्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तब तक शरीरों का अंत कहां हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद ही यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण नहीं होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्म के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, मैं वह हूं और वह मुझमें है, लेश मात्र भी उसमें और मुझमें अंतर नहीं है। यह जीते जी प्राप्ति है।
जब फिर कभी शरीर न मिले वही शरीरों का अंत है। ये तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता है। दूसरा शरीरांत मृत्यु है जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कौन्ते, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। आजीवन मौज करें, मरने लगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं। सदा तद्भाव भावितः, उस ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम्। इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहे और बाण चलाते रहे। किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए योगेश्वर कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ अर्थात मेरा चिंतन और योग का अभ्यास पर्याय है। मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि ये पेंसिल भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है या अन्य कुछ भी, तो आपका स्मरण खंडित हो गया। स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी ना हो, मन में तरंगे भी ना आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेट कर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय मायिक प्रवृत्तियां काम क्रोध राग द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट ही है। आप स्मरण करेंगे किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगे, आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगे। इन बाह्य प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। निरंतर चिंतन द्वारा ही इनका अंत किया जाता है, इसलिए निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता। चिंतन किसका करें? इस पर कहते हैं, कविं पुराण मनुषासितारम् अणोरणीयाव समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्य
नित्यवर्णम् तमस परस्तात्। उस युद्ध के साथ वो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले किंतु अचिंत्य, अर्थात जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो दिखाई नहीं देता, चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। पीछे बताया मेरा चिंतन करता है, यहां कहते हैं परमात्मा का, अतः उस परमात्मा के चिंतन अर्थात ध्यान का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष है। इसी क्रम में प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम् परम् पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है वो भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रिकुटि के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके अर्थात प्राण अपान को भली प्रकार सम करके न अंदर से उद्वेग पैदा हो न बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो, सत रज तम भली प्रकार शांत हो, सुरत इष्ट में ही स्थित हो, उस काल में वो अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है, उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने चौथे व छठवें अध्याय में किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर। कैसे करें? तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहां इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्र देखें जो गीता में स्थान स्थान पर आया है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेदविद अर्थात अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले लोग जिस परम पद को अक्षरम अक्षय कहते हैं, वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ जननेन्द्रिय मात्र का निरोध नहीं, बल्कि ब्रह्म आचरति सब ब्रह्मचारी, बाह्य स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म का दर्शन करा उसी में स्थान दिला शांत हो जाता है। इस आचरण से इंद्रिय संयम ही नहीं बल्कि सकलेंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। वो पद है क्या, कैसे पाया जाता है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्न्याधायात्मन प्राणम् आस्थितो योग धारणा। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके, ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं, पूजा बाहर नहीं होती, और प्राण
अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर योग को धारण किए रहना है, दूसरा तरीका नहीं है। इस प्रकार स्थित होकर ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् सयाति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इति ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सद्गुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वो प्राप्त है, इसलिए नाम ओम का बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहां टिक जाती है, वहां मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान भी करता। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओहम स ओम अर्थात वो सत्ता मेरे भीतर है। ये ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उस प्रभु के अनंत नाम है, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेकपूर्ण कल्पना में उलझाकर लक्ष्य से दृष्टि न हटाते। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते, वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। अनन्य चेता सततम् यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं, उस अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अनन्य चित्त से स्थिर हुआ जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझसे युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त कर वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना अथवा परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर पुनर्जन्म की सीमा कहां तक है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगादि सभी लोक पुनरावर्ती है, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं, किंतु कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वर पथ की विभूतियों को बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र है। अंतरिक्ष में न तो कोई ऐसा गड्ढा है जहां कीड़े काटते हों और न ऐसे महल जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। दैवी संपत्ति से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य ही असुर है। श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी कंस राक्षस और बाणासुर दैत्य थे। देव मानव तिर्यक योनिया ही विभिन्न लोक हैं। श्री कृष्ण के ही अनुसार ये जीवात्मा मन सहित पांचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरण धर्मा है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, इससे बड़ी क्षति क्या होगी। वो देवतन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंगादि लोक भोग लोक मात्र है। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वो उस परम धाम तक को प्राप्त कर सकता है जहां से पुनरावर्तन नहीं होता। यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वो पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाए। उसका पुनर्जन्म नहीं होना है, किंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है, जब तक वो ब्रह्मा है, वो पुनर्जन्म की परिधि में ही है। इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः। जो हजार चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और हजार चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक हैं। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विद्वरिष्ठ बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्मा का दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है, उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। इस प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की सहस्रों प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रवाहित होता है। प्रकाश और अंधकार की यही तक सीमा है। इसके पश्चात न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या ही। वो परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं कि कब अविद्या की रात होती है, कब विद्या का दिन आता है, काल का प्रभाव कहां तक है अथवा समय कहां तक पीछा करता है। प्रारंभिक मनीषी अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते थे। कालांतर में अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की चार प्रमुख वृत्तियों में किया गया। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। यही ब्रह्मा की रात्रि और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी जीव अचेत पड़े हैं। प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती, किंतु योग का आचरण करने वाले योगी इससे जग जाते हैं। वे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है,
कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रकट पतंग बिन सई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है, पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। ये उतार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है न ब्रह्मा, न रात रहती है न दिन, यही ब्रह्मा के दिन रात का रूपक है। न हजारों साल की लंबी रात होती है, न हजारों चतुर्युग का दिन ही होता है, और न कहीं कोई चार मुंह वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि की उपर्युक्त चार क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के चार मुख और अंतःकरण की चार प्रमुख प्रवृत्तियां ही उनके चतुर्युग हैं। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहां तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अतीत हो जाता है। रात्रि और दिन अविद्या और विद्या में होने वाले कार्य को योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात विद्या, दैवी संपत्ति के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं, और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टिगोचर नहीं है। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव श पार्थ प्रभवत्यह रागमे। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है, तब तक वो साधक ही है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है, जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भावों वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वो सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं, तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो मेरा परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है। इसलिए वो बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है, उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है,
जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत हैं, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए। अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में है और कब वे पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, इस पर योगेश्वर कहते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिसके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रहा हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है, विवेक वैराग्य शम दम तेज और प्रज्ञा ये षडैश्वर्य ही षण्मास है। ऊर्ध्व रेता स्थिति ही उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं, उनका क्या होता है, इस पर कहते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगाग्नि हो, अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाए जाने वाले अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, षड विकारों अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर से युक्त दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। उपर्युक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक
अर्थात शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करना है। प्रश्न पूर्ण हुआ, अब इसके लिए साधन पर पुनः बल देते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वो जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता। दोनों गतियां शाश्वत हैं, अतः अर्जुन तो सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधन कर। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इसको साक्षात्कार सहित जानकर मानकर नहीं, योगी वेद यज्ञ तप और दान के पुण्य फलों का निःसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। वो अविदित तत्व जब विदित हो ही गया तो अब कौन किसे जाने। अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वो तत्व विदित हो गया तो किसके लिए भजन करें। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करें। मन वचन और कर्म से सर्वतोभावेन समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। फल भी अब विलग नहीं है, अतः इन सब की अब आवश्यकता न रही। वो योगी यज्ञ तप दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया, जिनमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजारोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझाने की जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए कि भगवन, जिसे आपने कहा वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, वह संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदैव अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और अंतकाल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही परब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव ही अध्यात्म है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है, वही अध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना विसर्ग, मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देता है। इसी प्रकार क्षर भाव अधिभूत हैं, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है, वे ही भूतों के अधिष्ठाता हैं। परम पुरुष ही अधिदैव है, उसमें दैवी संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूं, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वह मैं हूं।
यज्ञ का अधिष्ठाता हूं, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न के अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? उन्होंने बताया कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे सिवाय किसी दूसरे विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देते और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में ही वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है। मरने पर ही मिलता तो श्री कृष्ण पूर्ण ना होते, अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहां फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परम भाव में प्रवेश पा जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल हे कृष्ण कहते रहें, लाठी भी चलाते रहें। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में स्थिर रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? मान लीजिए यह पुस्तक भगवान है, तो इसके अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी ना आए, दिखाई ना पड़े। यदि दिखाई पड़ती है तो स्मरण नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा? वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय मायिक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगे, इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन, तू जप तो ओम का और ध्यान मेरा कर। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावर्ती है, और इन सब के समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं, जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त षडैश्वर्य संपन्न ऊर्ध्वरेता है, जिसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योग कर्ता में लेश मात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूरा करता है। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत हैं, अमिट हैं। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन, तू योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के भी पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया है, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।